होगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आपको दिखाते हैं हाइब्रिड के ऊपर होती हुई शावरिंग कैसी होती है, वो भी स्प्रे। तो अभी हम मुल्तान में ही हैं, मौसम ठीक है बिल्कुल, और मेरे पीछे वो बंदा स्प्रे कर रहा है तो आपको दिखाते हैं कैसे स्प्रे होती है। तो देखते हैं ये कैसे स्प्रे हो रही है और आपको दिखाते हैं कि मिर्चों ने जो ना फल भी उठा लिए है और इतनी दिन तकरीबन मिर्चें निकल आई हैं। इनको पानी दिया जा रहा है, नहर बंद है, घर का जो पंप होता है उसको चला के इसमें पाइप डाला हुआ है और हम इसका जो है ना पानी इसको लगा रहे हैं। अच्छा इन्हें पौधों ने क्यों है, मतलब इन्हें कोई बीमारी है? अच्छा मैट, ये तो काफ़ी सारे पौधों ने पई खली। ये जो स्प्रे हो रही है जी, इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इसकी रीज़न ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मैट, के पौधे सिकुड़ना शुरू हो गए हैं और ये जब स्प्रे कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये स्प्रे से जेना इनका जो फल है वो भी नहीं ख़राब होगा और ये पौधे दोबारा हरे भरे हो जाएंगे। ऊपर से मौसम भी ठीक नहीं है कल का, तो अभी हम देखते हैं कि ये सुबह क्या रिज़ल्ट देते हैं। इन्होंने स्प्रे केड़ी कर दा फिर? ये स्प्रे नाल ही खुलणगे। मोटर मतलब एक टंकी भी ते दो भी हो गया ना। हां फिर वो जेड़ा है ना पानी बथेरा कर गए जान ने बेड़ी पाई। दो दा पंप लगा होना ते आधा घंटा नहीं लगना तुहाडी आ टक्के मारी रखे घर दे गया सब्जी सुब्जी बंदा आ भी पानी ला लंदा पंप चला के इनो ये स्प्रे हो गई है मुकम्मल। तो शाम होने वाली है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो जो बूटे ज्यादा खराब है चंगी तरह मार ये एक किसान की ज़िंदगी है कि मिनट में कुछ भी हो सकता है। ये पंप चलाकर पानी लगाया है, सुबह से लगा रहे हैं, तो ये सारा इमरान खान की हुकूमत का नतीजा है कि इधर की जो नहर है बिना बताए बिना टाइम के बिना टाइम टेबल के बंद है, तो जब दिल करता बंद कर लेते हैं। तो ये मज़दूर, इसको मजदूरी कह लें थोड़ी सी, उन्हें लगा तो ली अब मर्चें सब्जी लगा ली है, इसको चाहिए पानी। अगर पानी नहीं है तो ये मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इतना हाइब्रिड लगाया हुआ भी तो ये ख़राब हो गया तो नुकसान ही है ना, गरीब बंदा किधर जाएगा। तो इसको स्प्रे करके अभी पानी डाला हुआ है हमने, तो इंशाल्लाह ये सुबह तक सारी भरी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है और अल्लाह पाक ने इतनी ठंडी हवा चलाई है ना, बादल हैं, दरख्त देखें कैसे झूम रहे हैं, नज़र आ रहा होगा कि इतनी ठंडी हवा और बादल झूम रहे हैं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि आज इतनी ठंडक है। रात को हल्की सी बारिश भी हुई है थोड़ी थोड़ी, अब जो है ना ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल पुरसकून। तो जो लोग गंदम काट रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
मैं आपको दिखाता हूँ गंदम काट रहे हैं कुछ, मेरा कज़न है और चाचू लोग, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मौसम इतना अच्छा है ना कि बहुत ही प्यारा मौसम है आज। तो ये देखें ये घास है कैसे झूम रही है हवा के साथ, तो ये गंदम काट रहे हैं। कल काफ़ी गर्मी थी लेकिन आज जब हवा चली है तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। मियाँ अब्दुल रहीम गंदम काट रहे हैं, उस साइड पे इनके फादर लगे हुए हैं, ये इधर लगे हुए हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ी सी आपको काट के दिखाऊँगा कैसे काटते हैं गंदम। किसी दौर में हमने भी ये गंदम काटी है इसी जगह पे, और तब बादल हैं ये जनाब, सूरज और हल्के हल्के बादल हैं। सुबह तो बहुत ज़्यादा थे, हवा चल रही है, धूप इतनी महसूस नहीं होती। ये देखें गंदम के जो निचले वाला हिस्सा है ना, ये अभी तो पड़ा है, सब्ज़ ही नज़र आ रहा है, और ये लोग जो है ना जल्दी करते हैं गंदम में। इस बार हर बंदा ही जल्दी कर रहा है, बस गंदम का कलर इन्होंने देखा है कि चेंज हो गया तो बस इस ये जो गंदम है नीचे से अभी पूरी तरह जो है ना खुश्क नहीं हुई, नीचे से जो इसका तना है वो अभी जो है ना हरा का हरा ही है। तो इस बार लोगों ने थोड़ा सा जल्दी की है गंदम काटने में, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तो वो कहते हैं चले गंदम ऊपर से तो हो गई है ना, इसी से नहीं तो ना सही। काट रहे हैं, काट के निकाल भी रहे हैं, मशीन का लगी हुई थी तो अब ये भी गंदम जो है ना सही तरह पकी नहीं है, ऊपर से ही कलर इसका चेंज हुआ है। तो जो दाना है उसको भी अभी देखें तो वो भी नरम सा ही महसूस होता है, कितना ज़्यादा सख्त जैसे फुल होता हार्ड वैसे नहीं है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, इसका कैसे निकलता है दाना। तो एक सीधा जो है पकड़ के देखते हैं इसमें से किस तरह का दाना है। अभी ये तो टूट भी नहीं रहा, मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये मैं मसल रहा हूँ, देखते हैं दाना कैसा हो गया इसका। दाना अभी बिल्कुल नरम है, जैसे ब्रेड होता है वैसे नरम दाना है अभी। ये लोग जल्दी कर रहे हैं काटने में, मैंने तो बताया कि अभी एक दो तीन चार दिन रुक जाएं, देखते हैं काट रहे हैं अभी दाना सख्त नहीं हुआ, नरम दाना है अभी। वड्डा नहीं लगा ऐसे काम करने का फिर उसे रखा जाता है, तो भी वो लोग ठीक नहीं है।
थोड़ा सा मैंने किया है ये वाला, तो अब जो है अब तरहीम खुद काटेंगे। नहीं ए पाए मतलब अगर लेट वड्डी जाती तो दाने किर पैने सी। अच्छा बी के लाया है। अच्छा मतलब हथ लो गिली हो तेन हाथ ला देना चाहिए। गिलास अच्छा दरअसल पहले वाले बी नहीं ना रहा कणक। अच्छा आपने भी अभी सुना होगा इसकी एक रीजन सामने आई है इसको उसका सहारा काटने की के इसका जो फिर बीज है वो नीचे जो है ना गिर जाता है, गंदम गिरना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ी सी जल्दी काटते हैं ताकि इसको बीज निकालने तक इसका जो है ना गंदम गिरे ना। तो यही वजह इसको जल्दी काटने की, क्योंकि पहले जो बीज थे उनकी जो एवरेज और जो उनका हिसाब किताब था वो कुछ और था, एक एक मंथ जो है ना एक जारी रहती थी। तो इस वजह से अब ये जल्दी करते हैं कि ये गंदम जो है ना पकी पकाई यही पे ना ही गिर जाए ना ही वो हवा बहुत चल रही है। ये देखिए मेरे बाल कैसे हुए हैं। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके।